हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारी दुनिया टू में। टू में इसलिए क्योंकि यार हमारी दुनिया जो पहली थी, पहला वर्ल्ड था, वो डिलीट हो चुका है मुझसे। कैसे डिलीट हो गया यार, मैं क्या बताऊँ अब कैसे डिलीट हो गया। क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा था और मेरे को लगा स्पेस कम करने के लिए टेम्प डिलीट करना पड़ेगा। टेम्प की जगह पर मैंने ऐप डाटा वाला फोल्डर डिलीट कर दिया और बाद में मुझे पता लगा, अरे भैया इसी फोल्डर में ही तो माइनक्राफ्ट होती है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई यार। तो कुछ टाइम तक मुझे पता नहीं लगा। शाम को मैंने माइनक्राफ्ट को ओपन किया और माइनक्राफ्ट को ओपन करते ही मुझे क्या मिला, वहाँ पे कोई वर्ल्ड ही नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड नहीं है, इधर उधर होगा। मैंने देखा कुछ भी दिक्कत आ गई तो मेरे को पता लगा मैंने माइनक्राफ्ट का फोल्डर ही उठा दिया। तो मैंने कहा यार ये तो समस्या होगी, चलो रिसाइकल बिन में पड़ा होगा। मैं रिसाइकल बिन में गया और वहाँ भी नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, रिकवरी कर लेते हैं। रिकवरी नाम की चीज़ होती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 22वीं या 21वीं, चलो जो भी सदी में जी रहे हैं, तो रिकवरी नाम की भी चीज़ होती है। डिलीट किया हुआ डाटा वापस आ जाता है। मैंने रिकवरी की, डाटा वापस आ गया। मैंने कहा हैप्पी। मैंने डाटा को वहाँ पर रखा और भैया डाटा करप्ट था, नहीं चला। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया लेकिन डाटा वहाँ पर आया। मैंने वहाँ पर वापस रखा, डाटा करप्ट था। तो भैया सॉलिड वाला मोड जो है वो ऑफ हो गया। मैंने कहा यार ये बात जो है वो बहुत गलत हो चुकी है हमारे साथ, और ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था यार। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और सच में बोलूँ ना दिमाग का दही हो चुका था, दिमाग ख़राब हो चुका था। 2 दिन तक मैंने कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कोई भी काम नहीं किया। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, जो भी हुआ हो गया, दोबारा से वर्ल्ड बनाते हैं। और दोबारा वर्ल्ड बनाया तो आपको पता है कि विलेज बहुत मुश्किल मिलता है। तो भैया बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने विलेज ढूंढा, विलेज ढूंढा, आप देख रहे हैं ये हमारा घर। विलेज ढूंढने के बाद भैया मैंने यहाँ पे अपना घर बनाया दोबारा से, सेम वैसा घर जिसको बनाने में बहुत टाइम लगा। अब जानते हैं कि पिछले वाले वर्ल्ड में हमारे पास काफ़ी सारा सामान था, लेकिन इस वाले वर्ल्ड में भी हमारे पास काफ़ी सारा सामान है। तो मैंने इकट्ठा किया ये, मैंने जब विलेज ढूंढ रहा था मुझे काफ़ी सारे रून पोर्टल मिले। तो रून पोर्टल में से मुझे ये सारी चीज़ें मिली, लूटिंग वाली स्वॉर्ड और इमेंडिंग लगी हुई होए और वगैरह, शवल वगैरह मिले। और मैंने यहाँ पर विलेज के साथ ट्रेडिंग की और काफ़ी सारे बो एंड एरो और ये सब सामान भी लिया, एन्चेंटमेंट लगी हुई है इन पर भी। और मैंने सोचा डायमंड्स तो जो थे मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो मैंने माइनिंग की भैया। 2 दिन तक लगातार माइनिंग की मैंने, ऐसे सीढ़ियाँ लगा कर। नीचे मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, बहुत ओ हो गिर गए थे हम तो जितना बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे, कितना नीचे मैं आपको बताऊँ। आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और भैया सॉलिड वाला डायमंड के लिए मैं खुदाई कर रहा था क्योंकि यार मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने सोचा सारी चीज़ें दोबारा रिकॉर्ड करूंगा तो यार बढ़िया नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा पहले ना जितना सामान मेरे पास था वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो भैया मैंने दबा के माइनिंग की और मेरे पास कुछ 8 डायमंड लगे और थोड़ा सा आयरन लगा। फिलहाल जो है सो है, डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब जो है मेरे पास अच्छा सामान हो चुका है, तो अपनी सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। हम अपना घर बना चुके हैं, फार्मिंग वगैरह दोबारा करनी पड़ेगी, खैर वो कर लेंगे, कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है। विलेजर्स हमारे पास हैं, पहले क्या था विलेजर के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था, लेकिन अब विलेजर्स भी हमारे पास हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि डायमंड्स ज़्यादा इकट्ठे करूँ। डायमंड ज़्यादा इकट्ठे करने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो क्या होती है कि फॉर्चून वाली जो क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एन्चेंटमेंट, फॉर्चून वाली एन्चेंटमेंट लगाकर जो मैं है डायमंड्स को क्या करेंगे, हम माइन करेंगे तो वो ज़्यादा डायमंड्स निकल सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ डायमंड की पिकेक्स बनाएंगे, उस पर ना एन्चेंटमेंट्स लगा लेते हैं, ताकि जब हम क्या पता कई बार ऐसा होता है फ्यूचर फॉर्चून लगाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि एक डायमंड की जगह 2 निकल आते हैं, 3 निकल आते हैं, मैक्सिमम 3 निकल आते हैं, तो ज़्यादा डायमंड मिल जाएंगे हमें। तो हमें 2 एन्चेंटमेंट बुक्स चाहिए। पहली बुक जो है वो आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले तो हमें कोई फ्री वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा, वेला, जिसको हम जॉब देंगे। ओके, तो एक और चीज़ मुझे पता लगी कि सिल्क टच, सिल्क टच नाम से कोई एन्चेंटमेंट होती है, जिससे क्या होता है वो जब हम माइनिंग करेंगे ना, तो और भी जो क्या कहते हैं उसको, और बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो पूरा पूरा यार ब्लॉक सा हमारे साथ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ ब्लॉक को लेके आएंगे, फिर उसको हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, एन्चेंटमेंट लगी होगी फॉर्चून वाली, उससे माइन करेंगे, तो देखते हैं कितने डायमंड मिलेंगे। तो ये मैं यही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो भैया हमें वो बुक्स चाहिए होंगी, तो उस बुक्स से पहले हमें हमारा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे हम वो जॉब दे सकें। वेले बंदे तो इस विलेज में काफ़ी सारे थे यार, आज गायब हो गए। हाँ ये वाला बंदा तो अपने वाला बंदा है, ये फ्लेक्चर मास्टर लेवल तक मैंने पहुँचा दिया था स्टिक दे दे के। इससे मैंने ये ले ली थी पावर 1 की बॉय और पल्सिंग 2, उसके बाद ये इनविजिबल एरो भी मैंने ले लिए थे।
लेकिन अभी हमें चाहिए एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई काम ना हो। अभी यार ये तो फार्मर है यार, एक वेला बंदा था यार यहाँ पे, दो वेले बंदे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई काम धाम नहीं था उनको। जब मैं घर बनाना था ना तो इस सारे वेले बंदे मेरे पास घूम रहे थे इधर उधर इधर उधर, तब मैंने कुछ करना नहीं था तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब जब मुझे चाहिए तो ये गायब है। गौलम भैया यार, वेला बंदा देखा है क्या कोई? कहाँ गए सारे यार? ऐसे काम करके देखते हैं, बैल बजा कर देखते हैं अगर। ये दोनों एक में घुस गए। वो वाला अपने घर में चला गया। ये इसको इसके जॉब नहीं तोड़ सकते क्या इसको? ऐसे छोड़ छोड़ दिया। हाँ रे 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 भैया, ये भाई ले लेना। भाई साहब ये बन गया हमारा लाइब्रेरियन, ये बन गया हमारा लाइब्रेरियन। ओके गुड जॉब। अब इससे क्या करें, इसको पेपर देने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, ये मिल रही है मुझे पावर, पावर वाली मिल रही है मेरे को एन्चेंटमेंट बुक, लेकिन पेपर देना पड़ेगा मुझे इसे। तो मेरे पास एमरल्ड तो हैं, एमरल्ड तो हैं मेरे। अच्छा इसको तोड़ के अगर मैं दोबारा से रखूँ तो ओए ओए रुक तो। अरे यार भाग कहाँ रहे? हाँ सिल्क, भैया सिल्क टच ही चाहिए थी मेरे को, सिल्क टच। अभी सिल्क टच क्या आगे पावर भी होती है या फिर है ना, पता नहीं मुझे। चल ठीक है, मेरे पास अमर्ड है काफ़ी सारे, मैं अमर्ड जल्दी से ले आता हूँ। मुझे नहीं पता, सिल्क टच 1 2 3 शायद होता है मेरे को लग रहा है, पर एक बार ना सिल्क टच तो ले लेते हैं इससे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिल्क टच ये सारे उठा लेते हैं, क्या पता आगे क्या देगा वो मुझे। कहाँ गया आप? आ रही है ये रहा। अरे मेरे को तो ये चाहिए ना, तो ये क्या कर रहा है? अच्छा एक बुक देनी पड़ेगी, हमारे पास बुक नहीं है, तो एक काम करते हैं ये लेते हैं और इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे बुक मिलेगी शायद। यस। अरे कहाँ गया? अरे रुकना यार, अरे यार ये रहा भैया, ये रही सिल्क टच, सिल्क टच वाली मैंने ले ली है। ओके तो डन हो गया इसके साथ। अभी हमें ना काफ़ी सारे एमरल्ड्स इकट्ठे करने पड़े ताकि इससे ट्रेडिंग कर रहे। ये रहेगा कहाँ पर यार? तो बेड वगैरह दे देंगे या अपने आप ढूंढ लेगा जगह? चलो ठीक है यार, अपने अपने आप ढूंढ लेगा, यहीं मिल जाएगा हमें। तो हमें ये मिल गई है सिल्क टच वाली बुक। अभी हमारा खाना कम हो गया। सो आज की वीडियो तो मैं आपको बस यही अपडेट देने वाला था कि यार ऐसे वाला पंगा हो गया हमारे साथ, लेकिन चलो हमें बुक मिल गया। तो हम एक बार बुक को ना, सभी बुक्स को ना एक अलग वाली में रख देते हैं, बुक को हम यहाँ रखते हैं ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बंदा है दूसरा, फ्लक्चर, फ्लक्चर बोलते हैं क्या बोलते हैं यार उसको, उसके पास जाके देखता हूँ वो हमें अमल्ड किस भाव में दे रहा है। भैया किस भाव में दे रहा है? इसके भाव बहुत बढ़ गए हैं। ओके ये 31 में दे रहा है यार, ये पहले ना 25 में दे रहा था, अब ये 31 में नए दिन लग गया। चलो कोई बात नहीं, हम काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके सबसे पहले इससे एमराल्ड इकट्ठे करेंगे, उसके इसके पास आएंगे एन्चेंटमेंट बुक्स लेने के लिए। मैं तोड़ के देखूँगा सिल्क टच वाली तो मिल गई, दूसरी कौन सी दे गए? अरे रुक रुक ए ओ सिल्क टच है, ऐसे होता ना तोड़ के। सिल्क टच रहेगा क्या? ये चेंज नहीं हो रहा यार, मैंने मैंने देखा था कि चेंज हो जाता है। अरे भैया चेंज क्यों नहीं हो रही बुक यार? देना यार। खैर बुक्स तो हमें चाहिए होंगी। अरे यार कहाँ चला गया यार? एक ना ये ना इनको पकड़ के रखो ना, ये भाग जाते तो क्या। अरे
आयरन गोलम ने मार दिया इंटरमैन को। अरे भैया आयरन गोलम ने मार दिया। ये कहाँ, यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ 18 की करती। सिल्क टच तो है यार, दो सिल्क टच लग जाएंगी क्या? ले लेता हूँ एक, मुझे नहीं पता फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? एक बार ले लेते हैं, दो सिल्क टच लग जाएंगी शायद, वो 2 बन जाए सिल्क टच या 3। एक काम करते हैं ना, सिल्क टच 3 वाली शायद मेरे पास पहले थी कुछ, तो एक काम करता हूँ मैं सिल्क टच 3 ले लेता हूँ। मुझे इसका भी आइडिया कुछ भी नहीं है, मैं 3 ले लेता हूँ। 3 हो गई हैं और ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद हमें वो बना के ना, एनविल सा बना कर, क्या बोलते हैं उसको, एनविल बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उससे हम सेटिंग कर लेंगे। तो फिलहाल ना आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करना, क्योंकि मैं आपको अपडेट देना चाहता था, इतना ज़्यादा भी सेटअप नहीं किया कंप्यूटर की, सारी सेटिंग की है मैंने दोबारा से। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही करते हैं, लेकिन अगली वीडियो में ना बहुत मज़ा आने वाला है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम ना डायमंड के ऑर्ब ढूंढेंगे काफ़ी सारे, और उसके बाद यहाँ पे इकट्ठा करके फिर उसको तोड़ेंगे, देखते हैं कितने डायमंड मिलते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर यार प्लीज़ यार, मैंने बहुत मेहनत करके वर्ल्ड जो ना दोबारा क्रिएट किया और सब कुछ दोबारा बनाया, मेरे को 3-4 दिन लग गए। आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, इसका रीज़न यही था यार, मैं सोच रहा था कि दोबारा से सारी चीज़ें दिखाने से अच्छा है कि क्यों ना मैं यार पहले बना लूँ फिर दिखा दूँ और बता दूँगा आप लोगों को कि ऐसा हो गया। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और आगे हम अच्छी सी जर्नी में चलेंगे। तो हमारी दुनिया 2 से आपका बाय बाय। और अभी यार आयरन भी बहुत कम है हमारे पास, दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए 9 आयरन है, 8 डायमंड है, पहले बहुत हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे हम। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, लव यू।